हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को फ्रेंड्स सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को क्या कहते हैं? सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डेवलप्ड ऑर्गन एंड डेवलप्ड ऑर्गन। ये क्या है? जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होती है वो जहाँ पे लिम्फोसाइट्स यानी कि लिम्फोसाइट इमेच्योर लिम्फोसाइट डेवलप्ड होते हैं वहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स वेयर डिफ्रेंशिएशन। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, एग्जांपल के लिए लिए तो एग्जांपल जैसे कि सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। जैसे कि एक सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाती है? एक एम्ब्रॉय में डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऑर्गन्स का जो होता है डेवलपमेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ऐसे जहाँ पे ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है या प्रोलीफरेशन हो रहा है, मीन्स अब फ्रेंड्स जो प्रोलीफरेशन का मतलब होता है, इसका मीन्स चाहते हैं, प्रोलीफरेशन मीन्स होता है रैपिडली ग्रोथ, यानी कि किसी भी पार्ट्स का ग्रोथ बाय द रैपिडली मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट, मतलब किसी पार्ट्स का अगर जल्दी से यानी कि रैपिडली मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ हो रही है तो उसे प्रोलीफरेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एंड प्रोलीफरेशन हो रहा है और एंड मैच्योरेशन ऑफ स्टेम सेल्स, और जहाँ पे जो स्टेम सेल्स होती हैं उनका मैच्योरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। इनमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में थायमस होता है एंड बोन मैरो होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आई होप आपको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स अच्छे से समझ आया होगा। आप देखते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इट इज़ वेयर एंटीजन इज लोकलाइज सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली एक्सपोज टू मैच्योर लिम्फोसाइट्स। क्या है फ्रेंड्स? जहाँ पे एंटीजेंस लोकलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे एंटीजेंस लोकलाइज्ड होते हैं और लिम्फोसाइट्स को इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो और ज़्यादा मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं और इफेक्टिवली हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो लिम्फोसाइट होता है इसका क्या, इस लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनके मतलब इनका वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है तो उनको क्या करते हैं, उनको जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो ये जो लिम्फोसाइट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? उन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएट अडॉप्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। क्या करता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या हैं, मतलब इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस। तो हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में थाइमस के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो थाइमस होता है वो बिलैटरल ऑर्गन होता है, यानी कि थाइमस को हम बिलैटरल ऑर्गन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इनका मतलब जान लेते हैं, बिलैटरल ऑर्गन क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो है, जो थाइमस है इसको बिलैटरल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो थाइमस होती है ये मतलब कि इट हैज़ हैविंग टू साइड्स, इसमें जो होती हैं वो टू साइड्स होती हैं। बिलैटरल ऑर्गन मीन्स इसमें टू साइड्स होती हैं, हैविंग टू साइड्स और पार्ट्स, मतलब इसमें टू साइड्स होते हैं। आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और जो थाइमस होती है वो मीडिया स्टर्नम में लोकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अटेंड्स इट्स पीक
डेवलपमेंट ड्यूरिंग यूथ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये जैसे कि जो हमारा डेवलपमेंट, जैसे बॉडी का डेवलपमेंट यानी किसी किसी पर्सन का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही थाइमस जो होती है वो जनरली मेन में होता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं फ्रेंड्स, वेयर टी लिम्फोसाइट आर फॉर्म, जहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं थाइमस का फंक्शन। थाइमस जो होती है वो टी सेल को जनरेट करती है, टी सेल को सेलेक्ट करती है एंड हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करती है। अब हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर थाइमस का फ्रेंड्स। ये रहा हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमने बताया कि थाइमस जो ग्लैंड जो होती है वो बिलैटरल ऑर्गन होती है, मींस इसके टू साइड्स होते हैं, है ना, टू साइड्स, एक लेफ्ट एंड राइट, इसके टू साइड्स होते हैं, इसलिए इसको बिलैटरल ऑर्गन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ब्लड मैरो के बारे में। तो ब्लड मैरो जो होती है बी सेल मैचुरेशन, द साइट ऑफ बी सेल मैचुरेशन एंड हेमाटोपोइसिस, मींस जो बी सेल जहाँ पे मैच्योर हो रहा है एंड हेमाटोपोइसिस यानी कि जहाँ पे फ्रेंड्स जो हेमाटोपोइसिस है, जहाँ पे जो है हेमाटोस्पाइसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ब्लड सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म हो रही हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द लिविंग बॉडी, मतलब कि अगर जो लिविंग बॉडी है यानी हम लोग हैं, पर्सन्स हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो स्पेशली जो होता है वो बोन मैरो में होता है, तो वह उसे क्या कहते हैं, हेमाटोपोइसिस कहते हैं। तो अभी हम इसका देख लेते हैं ब्लड मैरो को फंक्शन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम। ब्लड मैरो क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम होता है, और क्या कहता है, सेल्स लाइक बी सेल्स और जो मतलब कि बी सेल, ग्रैनुलोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड मैरो जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं ये जो नेचुरल सेल्स हैं एंड नेचुरल सेल्स और बी सेल्स एंड ग्रैनुलोसाइट, ये इनका वर्क क्या होता है, जो बी सेल है, नेचुरल सेल किलर है, ये इनका वर्क क्या होता है कि ये जो भी जैसे कि जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी में एंटर कर दिया तो उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती हैं। और फ्रेंड्स जो स्पेशली जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये फ्रेंड्स जर्नली जो हैं जेनेटिक होती हैं, ये जर्नली जेनेटिक होते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, आल्सो प्रोड्यूस प्लेटलेट्स एंड आरबीसी, ब्लड मैरो जो होती है वो प्लेटलेट्स एंड आरबीसी का प्रोडक्शन भी करती है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखा हम लोगों ने जो फीमर होती है, सबसे लॉन्गेस्ट वन कौन सी है, हमारी फीमर है। तो फीमर में ये बोन मैरो जो होती है वो होती है। तो हम इसमें देख लिया हम लोगों ने स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है स्प्लीन, पहले के ऑर्गन्स हम लोग देख चुके हैं, अब ये नेक्स्ट हमारा स्प्लीन, इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम कंपोज ऑफ टी एंड बी सेल्स। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्प्लीन होती है ये एक प्रकार का इम्यून सिस्टम होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन होता है एंड ये टी सेल और बी सेल को कंपोस्ट करता है, टी सेल और बी सेल को कंपोस्ट करता है, और किसको कंपोस्ट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को, मैक्रोफेजेस को एंड डेंड्रिटिक सेल्स को भी कंपोस्ट करता है। फ्रेंड्स नेचुरल किलर सेल्स इसके बारे में तो हम जान चुके हैं, और मैक्रोफेजेस के बारे में अब डेंड्रिटिक सेल्स देखते हैं, ये डेंड्रिटिक सेल्स क्या होता है। फ्रेंड्स जो डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो मतलब एक प्रकार के एंटीजन होती हैं जो कि मतलब होल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और कई जो टिश्यूज होती हैं उनमें भी पाई जाती हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं वो इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसको स्टिमुलेट करने का वर्क करती हैं। तो हमने ये जाना डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में। तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन जो होता है वो इम्यून सिस्टम का ऑर्गन होता है एंड टी और बी सेल्स को मिलकर के बना हुआ होता है, और नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स को कंपोस्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
इट इज अ प्रोडक्शन साइट ऑफ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स विच आर डिलीवर टू द ब्लड. क्या करती है एंटीबॉडीज, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ साइट ऑफ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड. ये क्या करती है, स्प्लीन जो होती है वो एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट को प्रोडक्शन करती है, और क्या करती है विच आर डिलीवर टू द ब्लड, जो कि ब्लड में डिलीवर कर दिए जाते हैं. अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं स्प्लीन का फंक्शन. स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, फिल्टर द ब्लड एंड इंट्रैक्ट फॉरेन मटेरियल्स. क्या करता है स्प्लीन जो होती है वो जो भी मतलब हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करने का वर्क करती है. ठीक है, उनको फिल्टर करने का वर्क करती है. प्रोवाइड डिफेंस, और हमें डिफेंस यानी कि हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किससे, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्प्लीन का स्ट्रक्चर. तो ये रहा स्प्लीन का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, ये हमारा स्टमक, स्टमक के ऊपर ये क्या होता है, स्टमक के ऊपर स्प्लीन होती है. स्प्लीन जो होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, स्प्लीन जो होती है वो हमारी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट. फ्रेंड्स हम लोग ये लिम्फ नोड्स के बारे में देखते हैं. लिम्फ नोड्स जो होती है वो हमने पहले की वीडियो बनाई है, तो आप जो है वो अच्छे से लिम्फ नोड का जो है वीडियो में पढ़ा है, आप देख सकते हैं. आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं. अभी हम यहाँ देखते हैं लिम्फ नोड के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वीन शेप्ड लिम्फ नोड कैसा होता है, वीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑफ द बॉडी, मतलब कि पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं. एंड ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, लिम्फैटिक वेसल से जुड़ी हुई होती हैं. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली बी सेल एंड टी सेल्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स. ये मोस्टली किससे बनी हुई होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स से बनी होती हैं फ्रेंड्स. ये डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं. अब हम देखते हैं इन फंक्शन के बारे में, लिम्फ नोड के फंक्शंस के बारे में जानते हैं. दे एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर, ये क्या करता है, लिम्फ नोड जो होता है वो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर करता है और लिम्फ को ड्रेन करता है. यानी कि जैसे हमारी बॉडी में लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में थ्रू आउट द बॉडी जो होता है सर्कुलेट होता है, तो लिम्फ पहले कहाँ जाता है, पहले लिम्फ जो होता है कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है, और लिम्फ नोड क्या करते हैं उस लिम्फ को फिल्टर कर देते हैं यानी प्योर कर देते हैं, उसके बाद हमारे थ्रू आउट द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, लिम्फ रिटर्न द सर्कुलेट यानी कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर. लिम्फ जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लिम्फ, लिम्फ नोड एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको फ्रेंड्स. और इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक स्ट्रक्चर होता है. लिम्फ नोड जो है इस टाइप से कुछ होता है, किडनी शेप्ड ऑर्गन होता है. अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉन्सिल्स के बारे में. तो टॉन्सिल्स क्या होता है, टॉन्सिल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट ग्रैनुलर टिश्यू होते हैं. टॉन्सिल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट ग्रैनुलर टिश्यूज होते हैं ऑन इधर साइड और बैक ऑफ द माउथ. और टॉन्सिल्स क्या होते हैं, माउथ के पीछे यानी कि जो हमारी टंग होती है ना, जो हमारी टंग है इसके बैक साइड में छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से टिश्यूज होते हैं. ठीक है, उनको ही टॉन्सिल्स बोलते हैं. तो ये सॉफ्ट होते हैं, बैक ऑफ द माउथ पाए जाते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है टॉन्सिल्स का, टॉन्सिल्स जो होते हैं ट्रैप बैक्टीरिया, मतलब ट्रैप बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम द इनहेलड एयर. क्या फंक्शन होता है टॉन्सिल्स का, जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे जैसे कि हम माउथ से कुछ लेते हैं एयर के थ्रू इनहेल कर लेते हैं, तो उन बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क टॉन्सिल्स करते हैं. इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स टॉन्सिल्स का. तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो माउथ ऑफ द बैक होते हैं, और इस टाइप से टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे जो टंग होती है इसके बैक प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स. अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपेंडिक्स के बारे में. तो अपेंडिक्स जो होती है वो थिन होती है, डेड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड 3 to 4 inches, और ये कितना होता है लेंथ में 3 to 4 inches होती है. अपेंडिक्स जो होती है वो लेंथ में 3 to 4 inches लेंथ में होती है.
एंड इट इज़ हैंग फ्रॉम द सीकम, और ये जो होती है सीकम जो हमारी होती है उससे लटकी हुई होती है। आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। फंक्शन इसका क्या है अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स जो होती है हेल्प टेल द लिम्फोसाइट्स एक्जैक्टली वेयर दे हैव टू हैड ओवर द अटैक इन्फेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो इनहेंस द मैसिव इंटेस्टाइन एंड डिफेंस टू अ रेंज ऑफ ड्रग एंड फूड। ये मतलब हेल्प करती है लिम्फोसाइट एग्जैक्टली वेयर दे हैव हेड अटैक, जो भी मतलब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है तो ये लिम्फोसाइट्स मतलब क्या होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं उन बैक्टीरिया वायरस को। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस टाइप से कुछ जो है वो अपेंडिक्स होती है, और किससे लटकी हुई होती है, जो हमारी ये सीकम है उससे लटकी हुई होती है, जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है उससे लटकी हुई अपेंडिक्स होती है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स पेयर पेचेस के बारे में। तो पेयर पेचेस क्या होता है, द नूडल्स ऑफ लिम्फैटिक सेल्स दैट कंबाइन द मैक पेचेस ऑफ बंडल्स। लिम्फैटिक सेल्स द नूडल्स ऑफ लिम्फैटिक सेल्स दैट कंबाइन टू मैक पेचेस और बंडल्स। क्या करते हैं ये जनरली जो लोएस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उनके जो सबसे निचला पार्ट होता है यानी कि सबसे निचला भाग जो होता है लोएस्ट पार्ट होता है उससे ही जनरली होती हैं। तो आप पेयर पैचेस का फंक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, डिटेक्ट एंटीजन, ये क्या करता है एंटीजन्स को डिटेक्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस है टॉक्सिन्स हैं इन सबको डिटेक्ट करता है। एंड हाईली स्पेशलाइज वाइट ब्लड सेल्स टर्म बी सेल एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडी बी सेल को भी प्रोड्यूस करने का वर्क पेयर पैचेस करते हैं। इनका फ्रेंड्स हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में पेयर पैचेस। तो इस टाइप से पेयर पैचेस कुछ होते हैं, और फ्रेंड्स जो है इस टाइप से कुछ पेयर पैचेस होते हैं, और ये ऐसे इन जो क्या करते हैं बी सेल को प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।